अर्थ बता दूं? मालूम हो तो क्यों टाइम पास करूं, आगे बढ़ जाऊं, ना मालूम हो तो बता दूं? चलो मंजूर तो किया कि नहीं मालूम है। इस दुनिया में तो ऐसे लोग हैं मालूम कुछ नहीं कहते, हमें सब मालूम है, तुम मत बताओ। सुनो, ध्यायेतो विषयान् पुंसः, जो मनुष्य विषयों का ध्यान करता है, विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय हैं। शब्द विषय की इंद्री कर्ण इंद्री कान है, रूप विषय की इंद्री आंख है, गंध विषय की इंद्री नासिका है, घ्राण इंद्री, स्वाद विषय की इंद्री जीवा इंद्री जीव, और स्पर्श विषय की इंद्री त्वचा है, गर्म नरम कोमल कठोर छूने से पता चलता है। पांच ज्ञान इंद्रियां पांच विषयों का ज्ञान कराती है, और विषयों का ध्यान किए बगैर भी ये मन विषयों में बार बार भाग जाता है बिना ध्यान किए, और ये इंद्रियां भी विषयों की तरफ भागती है, क्योंकि उन विषयों की ही इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां उन विषयों को ग्रहण करने के लिए ही हैं, आंख रूप देखने के लिए, कान शब्द सुनने के लिए, जीव स्वाद लेने के लिए, और उसकी जरूरत क्या है? कान शब्द न सुने तो इसका काम क्या है, जरूरत क्या है, फालतू लगा हुआ है वो ढक्कन जैसा, लेकिन उसका वर्क ही वही है, तो वर्क करता है, लेकिन वर्क में फर्क है, क्या है उस फर्क को समझो। इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो ये पार्ट है इंद्रियों का भोग विषय के लिए प्रयोग करना, दूसरा पार्ट है इंद्रियों का प्रयोग आत्म कल्याण और जीवन निर्वाह के लिए करना, ये दो पार्ट हो गए। अब इंद्रियों को मोड़ना है, मारना नहीं, जैसे सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ दी, तो वो तरीका गलत है, वो आप मत अपनाना, नहीं पूरा छत्तीसगढ़ अंधा हो जाएगा, सब लफड़ा हो जाएगा। सूरदास एक अंधा हो तो आंख वाले रास्ता बता देंगे, लेकिन जहां सारे अंधे तो कौन रास्ता बताए, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आंख फोड़ने की जरूरत नहीं है, आंख मोड़ने की जरूरत है, आंख से क्या देखना है क्या नहीं देखना है, और किस भाव से देखना है किस भाव से नहीं देखना है, बस इस बात को समझना, कान से क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, कितना सुनना है कब सुनना है, बस इसका विवेक करना है। तुम्हारे पास में मोबाइल है, मोबाइल में भजन भी डाल सकते हो, प्रवचन भी डाल सकते हो, और पिक्चर के गीत भी डाल सकते हो। अब कान इतने समझदार नहीं कि क्या मैं सुनूं, कि वो तुमको निर्णय लेना है, इनके सबके कमांडेंट पावर तुम्हारे पास है, इंद्रियां तुम्हारी सेवक हैं, नौकरानी हैं, बिना वेतन के काम करती है, ये वेतन नहीं लेती, और हर समय अलर्ट रहती है, आलसी भी नहीं इंद्रियां, ना आप आंख खोल कर कुछ देख रहे हो, अचानक कीड़ा आए, फट से आंख बंद हो जाती है, कोई आदेश इतना जल्दी खटाक से काम होता, और कहीं खुट से हो जाए आवाज़, तुरंत आपकी गर्दन मुड़ती है, माइंड कमांड कर देता है, और आँखों से कहता है देखो क्या है, तुम खट से देखते हो, इधर खुट क्यों हुआ? तो आपका माइंड मन भी अलर्ट है, इंद्रियां भी अलर्ट हैं। अभी मैं प्रवचन सुना रहा हूं तो ये तो आप ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन एक बात और कहूं, पीछे कोई अभी बात कर रहा हो तो इस प्रवचन से ज्यादा वो बात आपको सुनाई देगी, ये कम सुनाई देगा, क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां आप जहाँ जहाँ उनको प्रयास करके लगाना चाहते हो वहाँ वहाँ वो मुश्किल से लगती हैं, और जहाँ जहाँ से बचाना चाहते हो वहीं वहीं भागकर आसानी से चली जाती है। एक विचारक ने कहा है कि आपके पास में मुट्ठी भर सरसों है और तुम ड्राइंग रूम में बैठे हो, कालीन बिछी हुई है, गद्दा बिछा है, चादर बिछी है, कुर्सी लगी है, टेबल लगी हुई है, गुलदस्ते रखे हैं,
ड्राइंग रूम सजा हुआ है और वो मुट्ठी भर सरसों तुम्हारे मुट्ठी में है। अचानक तुम्हारी मुट्ठी खुल गई, भूल से वो सरसों बिखर गई। उसकी कुछ दाने कालीन के नीचे चले गए, गद्दे के नीचे चले गए, कोने में चले गए, चादर के नीचे चले गए, कुछ कुर्सी पर बिखर गए, कुछ मेज पर, कुछ मेज पोस पर, कुछ गुलदस्ते में गिर गए। तो अब जैसे उन दानों को एक एक बीन बीन करके इकट्ठा करना बहुत कठिन काम है, ऐसे जब तुम्हारी इंद्रियां इस संसार में बिखर जाती हैं तो उनको पुनः मोड़ करके एकाग्र करना बहुत कठिन काम हो जाता है। उसके लिए सत्संग का सहारा है, सत्संग मोटिवेट कर देता है। तो जीतेंद्रिया, जो जीतेंद्री है वो ब्राह्मण है, चाहे जिस जाति में पैदा हुआ हो, चाहे जिसमें जन्म लिया हो, जीतेंद्री व्यक्ति ब्राह्मण है। गृहस्थ आश्रम में जीतेंद्री कौन है? जो एक पति व्रत एक पत्नी व्रत का पालन कर लेता है वो गृहस्थ आश्रम का जीतेंद्री कहलाता है। संत आश्रम का जीतेंद्री कौन है? जो अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से भोगों की तरफ से जीत लेता है वो संत जीतेंद्री होता है। संत वास्तव में शुद्ध ब्राह्मण हो जाता है। मनुष्य के धर्म का नाम है मानवता, मानवता ही धर्म है। और इस धर्म को पालन करने के लिए आपने देखा होगा पशु अपने पशुता के धर्म को छोड़ता नहीं। तुम चाहे जितनी कुसंगत में बिठा दो, गाय को दारू पीने वालों के संग में रख दो फिर भी दारू नहीं पिएगी ना। गाय को मांसाहारियों के घर में भी गाय पली है लेकिन मांस नहीं खाती है, गर्भर मांस खात सब हुए लेकिन गाय नहीं खाती। लेकिन आदमी ये जिसकी संगत में पहुंचता है उसकी रंगत में रंग जाता है। शाकाहारियों के संग में जाकर के शाकाहारी की बातें करने लगता है, मांसाहारियों के संग में ज्यादा बैठे तो कहता है अंडा खाने में कोई पाप नहीं है। बोले अंडे में जान थोड़े होती। अरे अंडे में जान नहीं तो मुर्गी कैसे बनती? अंडे से मुर्गा कैसे बनता है? अंडे में जान नहीं, अंडे में जान नहीं तो मुर्गी मुर्गा होते कहाँ से? वे कहीं कोई फैक्ट्री में पैदा होते। अपना तर्क देते हैं अंडा खाने के लिए और अंडा खा करके कहते हैं कि ये तो आजकल का फैशन है, अंडा खाना भी फैशन है, कमाल है। मैं निवेदन करूंगा अंडा खाना, मुर्गा खाना, बकरा खाना, मांस मछली खाना, शराब पीना, खाएं कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहाँ खोजा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावें सेवा, जिनके यस आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। निशाचर है वो, ये रामायण में लिखा हुआ है। रामायण भी पढ़ रहे हैं, अंडा भी खा रहे हैं, माला लेकर जप रहे हैं, रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। हाँ सिया राम मैं सब जग जानी, बेचे ही दूध मिला वही पानी, प्रात काल उठ गई रघुनंदन, मात पिता का मारे ही डंडन। उल्टा काम हो रहा है। खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहाँ खोजा। खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारिन कहाँ खोजा।
पिता नहीं देवा साधुन से कर वही सेवा जिनके असया चरण भवानी ते जान होनी सी चर सम प्राणी मन ही मात पिता नहीं देवा। आदमी गाय की सेवा कर लेता है, भैंस की सेवा कर लेता है, लेकिन अपने माँ बाप और सास ससुर की सेवा में चूक जाता है। जिन्होंने जन्म दिया, पालन किया, पोषण किया, जिस सास ससुर ने तुमको पति दिया, पत्नी दिया, उनकी सेवा में तुम चूक जाते हो। गाय भैंस की सेवा, घोड़े गधे की सेवा तुम कर लेते हो, तोता सुआ पंछी की सेवा कर लेते हो, लेकिन माँ बाप की सेवा में चूकते हो। क्यों? मैंने एक आदमी से पूछा, माँ बाप की सास ससुर की सेवा में तुम क्यों चूकते हो? तो उसने कहा, जानवर की सेवा आसान है, माँ बाप की सेवा कठिन है। हमने कहा, क्या कठिन है? बोले, जानवर के सामने पैरा कुट्टी रख दो तो भी कोई शिकायत नहीं करता है, घास रख दो तो भी शिकायत नहीं, खरी दाना रख दो तो भी शिकायत नहीं, गुड़ रख दो तो भी शिकायत नहीं, और पानी देर में पिलाओ तो भी शिकायत नहीं, लेकिन माँ बाप को कितना अच्छा टेस्टफुल दाल चावल सब्जी रोटी खीर खिला दो, फिर भी कभी कहते हैं दाल में नमक कम था, कभी कहते सब्जी में मिर्चा ज़्यादा था, कभी कहते हैं खीर में शक्कर ज़्यादा थी, बार बार शिकायत करते हैं। इसलिए मन सेवा से टूटता है। मैं निवेदन करूँगा, बार बार शिकायत करने से मन टूटता है तो सेवा छोड़ देते हो। तुम्हारा ग्राहक बार बार शिकायत करता है तो दुकानदारी क्यों नहीं छोड़ते हो? कर्मचारी शिकायत करता है तो अफसरगिरी क्यों नहीं छोड़ते हो? और जनता शिकायत करती है तो नेतागिरी क्यों नहीं छोड़ते हो? सब करते हो, केवल शिकायत सुनकर माँ बाप की सेवा छोड़ते हो। माँ बाप तो इसलिए कह देते हैं ताकि सुधार हो जाए, नहीं तुम रोज मिर्चा ज़्यादा डालोगे कहाँ तक सहेगी। गाय तो इसलिए शिकायत नहीं करती क्योंकि बोल नहीं पाती है, अगर उसके पास इतनी अकल होती तो तुमको बहुत मारती हो गाय कि तू देर में क्यों लाया कुट्टी पूस, तुम्हें ही कूट देती हो, कुट्टी बनाती। इसलिए सहनशील बन करके माँ बाप की सेवा करना। मन ही मात पिता नहीं देवा साधुन से कर वही सेवा। जिसके पास में सहनशीलता नहीं है वो किसी की सेवा नहीं कर सकता है, जिसके पास नम्रता नहीं है वो किसी को सेवा भाव से ओतप्रोत नहीं कर सकता, जिसके पास उदारता नहीं है वो किसी की सेवा नहीं कर सकता। उदारता हो, मानुष तेरा गुण बड़ा मांस ना वे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। साहब कहते हैं मनुष्य तेरे गुण ही तुझे सुख देते, तेरे अवगुण तुझे दुख देते। जीवन में झांक कर देखो, जहां जहां दुख है वहां वहां अवगुणों का ही प्रभाव। तुम ज्यादा अगर क्रोध करोगे, क्रोध का अवगुण है, पूरा आपका घर आपके विरोध में हो जाएगा, समाज विरोध करेगा। लोभ का अवगुण है, चोरी करो तो फंस जाओ तो फिर दुर्दशा हो जाए। किसी की जेब काटो, एक रेलवे स्टेशन पर मैं गया ट्रेन में बैठने, आज के 24 साल पहले, तो एक आदमी को बहुत मार रहे थे लोग, खून बह रहा था, तो मैंने सोचा इसको बचाऊं, सब लोग मार रहे कोई नहीं बचा रहा, अकेला है, तो मैंने कहा इसको बचाओ छोड़ दो तुम लोग। अरे बोले ये ग्रह काट है, जेब काटा है इसने।
तो हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले हम इसको काट देंगे, इसने बहुतों की जेब काटा है, आज मिल गया है, अब इसको हम काट देंगे। बोले दो चार जगह काट दिया, खून बह रहा है, लोग ऐसे मार रहे थे बुरी तरह से इसको, धमाधम धमाधम। अब जेब काट करके लोगों की पैसा कमा कर ले गया है, उस पैसे से पत्नी भी साड़ी पहनती है, उस पैसे से बेटे भी सूट पहनते हैं, उस पैसे से बहुत लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन जब मारपीट हुई तो अकेले ही ठोकाई चल रही है, धमाधम मस्त कलंदर जेब कतरे का पहला नंबर, सेवन दास चंद्री दास जीवन दास सखी साबास कलंदर, जेब कतरे का पहला नंबर। मार पड़ी तो हो गया बंदर, फिर गया थोड़ी देर में जेल के अंदर, धमाधम मस्त कलंदर, दुर्दशा हो गई, बहुत मारा लोगों ने उसको। इस अवगुण के कारण ही तो दुख मिला है, चोरी का अवगुण। कहीं भी देख लो आपकी जिंदगी में जहां जहां दुख है वहां वहां कोई ना कोई अवगुण ही काम कर रहा है, झांक कर देखना। जहां जहां तुम्हारी जिंदगी में सुख है वहां वहां कोई ना कोई गुण तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। पूरी सृष्टि में आप देखिए गौर करके, जिंदगी में झांक लो, अगर आप में प्रेम करने का गुण है तो सब जगह तुमको धन्यवाद ज्यादा मिलेगा। नम्रता का गुण है, धन्यवाद मिलेगा। राजिम कुंभ मेला में मैं गया था तो वहाँ बहुत से साधु संत आए थे और बहुत गणमान्य लोग थे, कुछ मिनिस्टर लोग भी थे, सब थे। तो जो धर्मस्व मिनिस्टर थे उनके बैठने कुर्सी बची नहीं, तो पीछे एक साइड स्टूल पर बैठे थे। तो मैं मुड़ के देखा, मैं मुस्कराया तो मेरी तरफ इशारा दिया, ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं, कुर्सियां भर चुकी तो हम स्टूल पर बैठ गए, एक छोटा सा था लकड़ी का। मैंने कहा कमाल का विनम्र व्यक्ति है ये ब्रजमोहन जी, नहीं स्टूल पर बैठे साधु को भी गिरा के उसकी कुर्सी बैठ जाए, ऐसा खतरा है। नीचे बैठना भी बहुत हिम्मत का काम, तुम लोग बहुत हिम्मती हो तो नीचे बैठना भी कठिन है, किसी को हाथ जोड़कर नमस्कार करना बहुत कठिन है, लेकिन हाथ जोड़कर नमस्कार करने में फायदे बहुत है, पूरा प्रॉफिट है, बेनिफिट है, बहुत जबरदस्त फायदा। मैंने इसके सब फायदे उठाए हैं 100%। खुश रहने के भी बहुत फायदे हैं, 50% हमारा सत्संग प्रचार तो हुआ है प्रवचन से, और 50% हुआ है हमारी नम्रता और हमारी खुशियों से, सत्य बताता हूँ। खुश रहने से लोग जुड़ते हैं, तुम ऐसा मुंह बनाओ सणसी जैसा तो लोग डरेंगे, दूर हटेंगे, समझ गए खतरनाक आदमी है। प्रसन्न रहने वाले के साथ में सारी दुनिया है, गुस्सा करने वाले के साथ में खुद अकेला रह जाता। इसलिए मैं कहूंगा खुश भी रहना और विनम्र भी रहना। हनुमान जी का शरीर बंदर का शरीर है, लेकिन राम हनुमान जी से कहते हैं कि रघुपत की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, तुम भाई भरत के समान हो हनुमान जी, तुम धन्य हो महान हो। लेकिन रावण से ऐसा नहीं कहा उन्होंने, रावण का भी तो शरीर ठीक था, गोरा था, सुंदर था, 10 शीश लगे हुए थे, लेकिन रावण से ये बात नहीं कहा कि तुम धन्य हो महान हो, क्योंकि रावण के शरीर रूपी डब्बा में अवगुणों का कचड़ा भरा हुआ है, हनुमान जी के शरीर रूपी डब्बा में सेवा सरलता भक्ति के गुणों की बर्फी भरी है, इसलिए उनके शरीर का भी सम्मान हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति लगी, उनकी सब पूजा कर रहे आज भी। गुणवान बनो, मनुष्य तेरा गुणे बड़ा,
मांस न आवे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा को किला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग काग, सब भय अपावन। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा को किला, शब्द सुने सब को। शब्द सुने सब कोई, को किला सबे सुहावन। दो को एक रंग काग, सब भये पावन। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है ती। श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरी। ऐसी बाणी बोलिए, मन काया पाखो। अरन को शीतल करे, आपो शीतल रो। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ रे। शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द कर घाव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द कर घाव। शब्द संहारे बोलिए, हाथ न पाऊं। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द की शक्ति को पहचानिए। संसार में शब्द का कितना बड़ा खेल है। आप दुकान पर बैठते हो, शब्द ही बोलते हो, ग्राहक खुश हो जाता है, परमानेंट तुम्हारा ग्राहक बन जाता है। रिश्ते भी शब्द से जुड़ जाते हैं। सत्संग से भी शब्द ही तो सुनने को मिलते हैं। बोलने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन संभल कर ना बोलो। बोलना खुद के लिए खतरनाक हो सकता है। हमेशा विवेक कीजिए, विचार कीजिए। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना वे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। साहेब कहते, तुम्हारी त्वचा के बाजे नहीं बनेंगे, ढोल तबले नगाड़े नहीं बनेंगे। अभी मैं आ रहा था तो सेज बहार के पास में एक मुर्दे को 200 लोग करीब दफना रहे थे। आग में जल चुका था मुर्दा, लोग निराश उदास खड़े थे। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या जमीनों पे तुर्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। मनुष्य बहुत मूर्ख है, सब जानता है कि मर जाऊंगा, ये भी जानता है मरकर इस घर में नहीं आऊंगा, ये भी जानता है जैसा कर्म किया हूं उस कर्म का फल भोगने के लिए वैसा ही शरीर, वैसा घर, वैसा देश मिलेगा, वहां ठीक से भोगना पड़ेगा। फिर भी थोड़े समय के लिए किसके किसके मोह में पड़ करके क्या क्या गलतियां करता, दूसरों की जमीन हड़प लेता है, दूसरों को ठग लेता है, बेईमानी कर लेता है, सामान चुरा लेता है, दूसरों को परेशान करता है।
मर गए, दफन हो गए। किसी मुर्दे को दफना रहे थे 2-3 हजार लोग, मैं भी उसमें गया था। तो उसमें कुछ लोगों के चेहरे पर उदासी थी, कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी थी। तो मैंने उदासी वालों से पूछा, तुम उदास क्यों हो? बोले, इस आदमी से हमको बहुत मदद मिलती थी, अब कौन मदद करेगा? स्वार्थ टूट गया। जिनके चेहरे पर खुशी थी, हमने कहा, तुम खुश क्यों हो? मैंने कहा, हमको इस आदमी से बहुत तकलीफ थी, इसलिए मर गया। दफन करने इसलिए आए थे कि भगवान से अशुभ कामना कर रहा था कि फिर जिंदा ना हो जाए, तो आया था कि पूरी लाश जल जाए तब भरोसा हो सकता है। नहीं, फिर कहीं मरघट से जिंदा होकर वापस लौट आया तो फिर तंग करेगा, इसलिए मुझे खुशी है, ये मर गया, जल गया, ठीक है। निवेदन करूंगा, कबीर ने जैसे कहा है कि कबीर, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मैं एक बात कभी कभी सोचता हूँ, ये कबीर साहब स्कूल में पढ़े नहीं थे, लेकिन स्कूल में पढ़े वालों से भी ज़्यादा ऊंची बात बोलते हैं। कुछ हमारे साथ संत बनने लोग आते हैं तो उनके माँ बाप कहते हैं, अभी और पढ़ाई कर लें तब संत बनेंगे। हमने कहा, ज़्यादा पढ़ाई करके संत कोई बनता नहीं, फिर महंत बनता है वो। फिर तो वो मुश्किल है उसको संसार की मोह माया से बच पाना। पढ़ाई करते रहोगे बीच में जवानी आ जाएगी, जवानी का जोश, बच्चों का कुसंग प्रभाव ऐसा पड़ेगा, मन संत बनने से रुक जाएगा। इसलिए संत तो कम पढ़ा हो तो भी चल सकता है। हमारे पंथ में कबीर साहब तो बिल्कुल पढ़े नहीं थे, मस कागद छो नहीं। आज उनके साखी शब्द का अर्थ निकालना कठिन है ग्रेजुएट वालों को। और बड़ी मजे की बात, श्री विशाल देव बिल्कुल नहीं पढ़े थे, और जिनका पूरा कबीर पंथ लोहा मानता है। बड़ी मजे की बात, संत श्री अभिलाष साहब केवल तीसरी तक पढ़े थे, जिन्होंने इतने ग्रंथों की रचना किया और प्रचार बहुत किया। अब तुम सोचते होगे, आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, आप अपना बताओ। मेरे चक्कर में न पढ़ो, मैं कितना पढ़ा हूँ, मैं धोखे से पढ़ गया हूँ। पढ़ने की इच्छा नहीं थी लेकिन धोखे में पढ़ गया मैं। स्कूली शिक्षा मेरी पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन वो यहाँ काम नहीं आती है। केमिस्ट्री के फार्मूले ZnH2SO4 = ZnSO4+H2, हाइड्रोजन गैस ऊपर उठ गई, जिंक सल्फेट बन गए, ये कुछ काम नहीं आता है। अब वो याद कर लिया था पहले, तो याद है वो एंडोटर्मिन्स क्या क्या सब बोलते रहो, पर उससे कुछ अर्थ नहीं निकला। अंग्रेजी जाने भले संस्कृत परवीन, भोग पदार्थ ज्ञान तज और ज्ञान का कीन। गुरु को भी तंग ना करो, खुश रखो उसको, माँ बाप को भी तंग ना करो। ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारे माँ बाप खुश हो जाए, प्रसन्न हो। योग्यता भी ऊंची हासिल करो। माँ बाप की तमन्ना होती है, जिन ऊंचाइयों को मैं नहीं छू सका उन ऊंचाइयों को मेरा बेटा छू ले, ये तमन्ना होती है। गुरु को तमन्ना होती है, जिस ऊंचाई तक मैं नहीं पहुंच सका उस ऊंचाई तक मेरा शिष्य पहुंच जाए। स्वामी विवेकानंद को पाकर के रामकृष्ण परमहंस गदगद हो गए। स्वामी विवेकानंद के प्रयास से रामकृष्ण परमहंस का यश पूरे विश्व में फैल गया। अच्छे शिष्य बनो, अच्छे पुत्र बनो,
अच्छी बहू बनो, अच्छी सासू बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो। आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, अच्छे श्रोता भी बनो। जिसके पास में क्वालिटी है उसी का संसार में मूल्य है। ऐसे जनरल मर्चेंट तो बहुत है, विशेष क्वालिटी आप में आनी चाहिए।